क्योंकि ये आई उनका लव होने वाला है दिस। आखिरी मैच। बट TSM वर्सेस गॉडलाइक, किसको नहीं देखना है ये फाइट, हर ऑडियंस को ये फाइट देखनी होगी। मजेदार फाइट चलने वाली है। बट TSM, उनको पता है यहाँ पे टीम आ चुकी है ऑलरेडी। सामने ZGod ने क्या कुछ फेंका, चलिए क्लच गॉड को अंदाजा भी नहीं, बट अब होने वाला डैमेज उनको पड़ा जरूर है। बट वहां पे बॉट्स लेयर की बात करी जाए, वो डाउन किए गए हैं। लेवी वो भी डाउन हो गया, और इसी चीज के मैं बात कर रहा था, अगर ओनली ग्लिच की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है तो नीचे जो टीम उनके लिए चांसेस बढ़ने वाले। बट आप गॉडलाइक को देखे, जोनाथन वहां पे डाउन किए गए ब्लेज ओपी के द्वारा, और मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ब्लेज पहला फिनिश अपने लिए निकालते हुए, नियो मोस्ट प्रोबेबली वो भी इस ग्रेनेड से फट जरूर सकते हैं। देखते हैं ग्रेनेड कितना कारगर रहता है, क्योंकि नियो के काफी करीब था, लेकिन वो जो रेज है हल्का सा वो नियो कभी के लिए बचाता यहाँ पर नजर आएगा। निंजा वहां पर आएंगे और गॉडल के एक प्लेयर इंपैक्ट, दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। एक्विनॉक्स के ही द्वारा उनका ग्रेनेड जाता है लगता जरूर है, और अब बचे हैं ZGod। क्या सच में पर पैन होगा? एक्विनॉक्स इस बार पैन करने आया, रिटर्निंग द फेवर, TSM इज रिटर्निंग द फेवर टू गॉड लाइक वंस अगेन। निंजा जोन बिल्कुल सामने के लिए पैन करके ही खत्म कर देता है, लेकिन उन्होंने स्विच किया वेपन को, क्योंकि इनको समझ में आया कि फाइट यहां पर होनी है, लेकिन जाएगा पैन हाथों में। अब वेपन पर स्विच किया, लेकिन पैन से एंड करना चाहते थे, काफी लो एचपी पर प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे गॉड लाइक के। बट से नो मोर, टीम सोलोमेड हैज रिटर्न्ड द फेवर। बिल्कुल भी अपने पास कोई चीज वो रखते नहीं।